अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है, जिनमें से तीसरे नंबर पर ज़कात है। ज़कात भी एक माली इबादत है और ये बहुत अहम इबादत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में नमाज के साथ साथ ज़कात का 32 मकामात पर ज़िक्र आया है। अब ज़कात फ़र्ज़ कब हुई? तो ज़कात 2 हिजरी में रोज़े से पहले फ़र्ज़ हुई, यानी कि ज़कात और सदक़े फ़ित्र और रमज़ान के रोज़े, इन तीनों चीज़ों का हुक्म 2 हिजरी में दिया गया। अब ज़कात की फ़र्ज़ियत कुरान मजीद से साबित है, नस्से क़तई से साबित है, तो इसका इनकार करने वाला यानी कि इसकी फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर है। अब ज़कात की डेफिनेशन क्या है, ज़कात की तारीफ़ क्या है? तो इस्तिलाह में जो ज़कात की तारीफ़ है वो ये है, ज़कात शरीयत की तरफ से मुकर्रर करदा उस माल को कहते हैं जिससे अपना नफ़ा हर तरह से ख़त्म करने के बाद फ़कत रज़ाए इलाही के लिए उस माल को किसी ऐसे मुसलमान फ़कीर के सुपुर्द कर देना जो ना तो ख़ुद हाशमी हो और ना ही किसी हाशमी का आज़ाद करदा ग़ुलाम हो। यानी कि हाशमी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। और इस तारीफ़ से दो बातें ये मालूम पड़ी कि ज़कात देना फ़कीर को जायज़ है और फ़कीर के लिए शर्त है कि वो मुसलमान हो। अब ज़कात का लफ्ज़ी माना क्या है, उसका लुग़वी माना क्या है? तो ज़कात का माना है पाकी और अफजाइश, यानी कि इजाफा। अब चूंकि ज़कात अदा करने से माल की पाकी होती है, उससे माल पाक हो जाता है। जैसे कि हमारे कमाने में अगर किसी किस्म की गैर जवाज की हल्की सी बू आ जाती है या फिर हमारे माल में थोड़ी सी कराहत की बू आ जाती है तो उसको ज़कात के ज़रिए पाक किया जाता है। जब आप ज़कात अदा करेंगे तो आपके माल में जो थोड़ी गैर जवाज की बू आ गई है वो क्लीन हो जाएगी। और ज़कात भी माल में इजाफे का सबब बनता है, क्योंकि ये भी एक सदका ही है और सदका माल में इजाफे का सबब बनता है। तो अब देखें काइंड्स ऑफ ज़कात। बुनियादी तौर पर ज़कात की दो किस्में हैं, सबसे पहली तो माल की ज़कात और दूसरी किस्म यानी कि अफराद की ज़कात। ये जो अफराद की ज़कात होती है इसी को हम सदक़े फ़ित्र कहते हैं और आम ज़बान में इसको फितरा भी कहा जाता है। ये अफराद की ज़कात होती है, पर्सन की ज़कात होती है। और रही माल की ज़कात जो कि फ़र्ज़ होती है मालिक निसाब पर, तो माल की ज़कात की भी मज़ीद दो किस्में हैं। पहली किस्म सोने चांदी की ज़कात और दूसरी किस्म माल तिजारत और खेती और फलों वगैरह की ज़कात, जिसको उश्र भी कहते हैं। अब ज़कात देना किस पर फ़र्ज़ है? ज़कात देना हर उस आकिल बालिग आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसमें ये 6 शराइत पाई जाएं, जो मैं अभी बयान करने वाला हूँ। जिनके अंदर ये 6 शराइत पा ली गईं, ये 6 शर्तें जिसके अंदर मौजूद हुई उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ है। अब ये जो 6 शर्तें हैं, इन शर्तों में से एक भी शर्त अगर फौत हो गई तो ज़कात उस पर फ़र्ज़ नहीं होगी। नंबर एक, मालिक निसाब होना। अब मालिक निसाब किसे कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ सदक़े फ़ित्र वाली वीडियो में कि मालिक निसाब जिसके पास 7.5 तोले सोना हो, या फिर अगर 7.5 तोला सोना नहीं है तो फिर 52.5 तोले चांदी हो, और अगर चांदी के बजाय उसके पास कैश है तो जितनी कीमत की वो चांदी थी 52.5 तोला, तो उतनी कीमत पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो सबसे पहली शर्त तो मुकम्मल हो गई, यानी कि मालिक निसाब होना। और दूसरी शर्त, ये निसाब नामी हो। अब नामी होना सदक़े फ़ित्र में ये शर्त नहीं है, ये ज़कात में शर्त है कि माल नामी हो। और तीसरी शर्त, निसाब उसके कब्ज़े में होना। जितने माल का वो मालिक है वो सारा माल उसके कब्ज़े में हो, और वो जितने माल पर साहिब निसाब बन रहा है वो माल मुकम्मल तौर से जब उसके कब्ज़े में होगा तभी वो मालिक निसाब होगा, वरना उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई किसी के माल में थर्ड पार्टी पर्सन इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो मुकम्मल तौर से उसके कब्ज़े में माल नहीं होगा। तो तीसरी शर्त तो ये है कि माल उसके कब्ज़े में हो। और चौथी शर्त कि ये जो निसाब है ये हाजत असलिया के सिवा हो, हाजत असलिया से फारिग हो। अब हाजत असलिया क्या? जिसके बग़ैर हमारा जीना दुश्वार हो जाए, हमारा रहना खाना दुश्वार हो जाए, वो हाजत असलिया में शामिल होता है। अब जैसे खाना पीना हो गया, ओढ़ने का सामान, रहने का सामान, ये सब हाजत असलिया में शामिल हैं। अब इनके सिवा जो सेविंग होगी वो सेविंग इतनी है कि वो 7.5 तोले सोने के बराबर है या 52.5 तोले चांदी या इसकी मकदार की कीमत उसके पास मौजूद है हाजत असलिया के सिवा, तब उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ होगा। और पाँचवीं शर्त, दैन से फारिग हो, यानी उस पर कर्ज ना हो।
जैसे कि किसी के पास 2 लाख रुपए मौजूद हैं लेकिन उसमें से 1,60,000 रुपया उसके पास कर्जे का मौजूद है। अगर वो 1,60,000 का कर्ज़ा अदा कर देगा तो वो सिर्फ 40,000 का मालिक बचेगा। तो अब वो मालिक निसाब नहीं रहा। जिस माल का कर्ज़ा अदा कर देने के बाद वो मालिक निसाब न रहे उस माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और छठी शर्त क्या है कि वो जो माल जिसका वो मालिक निसाब बना है उस पर कमरी 1 साल गुजर जाए, यानी कि जो इस्लामी महीना होता है उसके एतबार से 1 साल जब उसी माल पर गुजर जाएगा तब वो मालिक निसाब होगा और उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो जिसके अंदर ये 6 शर्तें पा ली जाएँ उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ हो जाता है। अब ज़कात देना कितना होता है, तो ये तो बड़ा फेमस मसला है कि ज़कात निसाब का 40वां हिस्सा देना होता है जो कि 2.5% बनता है। जैसे कि किसी के पास 7.5 तोले सोना है तो हर तोले का 2.5% नहीं निकालना पड़ेगा बल्कि मुकम्मल जितना निसाब बन रहा है उस मुकम्मल निसाब का 2.5% निकाल के उसकी ज़कात अदा करनी होगी। अब औरतों के लिए सबसे अहम मसला वो ये है कि जहेज़ पर भी ज़कात है। अगर वो जहेज़ इतना है कि उसकी मिल्कियत के बाद वो औरत मालिक निसाब हो जा रही है तो फिर उस जहेज़ पर भी ज़कात देना फ़र्ज़ होगा। अब आखिरी मसला और सुन लें कि अगर किसी ने कोई माल रहन रख दिया यानी गिरवी रख दिया, जैसे कि किसी ने 4 तोले सोना गिरवी रख दिया और उसके पास 3.5 तोले सोना मौजूद है, तो जो 4 तोले सोना उसने गिरवी रखा है अब वो ना गिरवी रखने वाले की मिल्कियत में है और ना उसकी मिल्कियत में है जिसने अपने पास गिरवी रखा है। तो ना उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी जिसने अपने पास गिरवी रखा है और ना उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी जिसने गिरवी रखवाया है, यानी कि ना ज़कात राहिन पर होगी और ना मुर्तहिन पर होगी, क्योंकि ये माल ना राहिन के कब्ज़े में है और ना मुर्तहिन के कब्ज़े में है। और ज़कात के शराइत में ये भी है कि माल उसके कब्ज़े में हो, और अगर कब्ज़े में नहीं है तो फिर उस माल पर ज़कात नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, ये कुछ ज़कात के बुनियादी मसाइल थे और ज़रूरी मसाइल थे जो मैंने आपके गोशे गुजार किए। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात इन चंद बातों को समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका रिप्लाई किया जाएगा, वरना फिर वीडियो की शक्ल में उसको अपलोड किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आपसे रुख्सत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।